जय माता दी। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रक्षाबंधन वाले दिन अगर कोई भी बहन अपने भाई की आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहती है, उसके कारोबार या उसके घर में किसी भी तरह की कोई मानसिक स्थिति या शारीरिक तौर पे कोई कष्ट चल रहा है, तो वो एक छोटा सा उपाय करने से रक्षाबंधन वाले दिन उसके भाई की आर्थिक स्थिति, कारोबार में मानसिक और शारीरिक स्थिति जो है बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आज मैं आपको वही उपाय बता रहा हूँ जिसे कोई भी रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के लिए कर सकती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रक्षाबंधन वाले दिन अगर कोई भी बहन अपने भाई के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, उसकी आर्थिक और उसकी मानसिक स्थिति को ठीक करना चाहती है, तो राखी बांधने के बाद उसको एक लाइची दे उसके हाथ में, और उस लाइची को भाई अपने घर में लॉकर में, अलमारी में रख सकता है, अपने पर्स में रख सकता है, जिससे उसके कारोबार में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं, जब बहन अपने भाई के घर राखी बांधने जा रही है और उसके घर में जाकर एक तुलसी का पौधा लगाकर आएगी, तो तुलसी के पौधे लगाने से कभी भी उस घर के अंदर अशांति नहीं आती, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शारीरिक कष्ट कभी भी भाई के घर में नहीं रहेगा। ये दो उपाय करने से कभी भी कोई परेशानी देखने को बहन को अपने भाई के घर में नहीं मिलेगी। तो रक्षाबंधन वाले दिन ये उपाय हमेशा करना चाहिए। और साथ ही एक छोटा सा उपाय और भी कर सकती है। भाई क्या कर सकता है अपने बहन के लिए, अब मैं वो बता रहा हूँ। भाई भी अपने बहन के परिवार के सुखी रखने के लिए, उसके घर में कभी कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, तो वो भी एक छोटा सा उपाय कर सकता है। थोड़े से चावल पीले करके एक पोटली बनाकर या एक लिफाफे में या एक छोटी सी थैली बनाकर अपने बहन को दे दे, और साथ में 11 रुपये एक उसको मौली बांधकर उसको दे दे। 11 रुपये जो देंगे वो सिस्टर मतलब बहन अपने घर में जाकर अपने लॉकर में रख दे, और वो चावल थोड़े से लेकर वो भी अपने अलमारी में रख दे, जिससे बहन के घर में भी आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति कभी भी डाउन नहीं होगी, हमेशा उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। अगर आपसे कोई ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।